प्राइस लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस राइजेज है तो डिमांड फॉल्स, और अगर प्राइस फॉल्स तो डिमांड क्या हो जाएगा? राइज प्राइस। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम आगे के 2 से 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे उसमें हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखो, डिमांड के लिए वर्ड यूज होता है, एक तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डिमांड कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सपोज डिमांड जो कॉमोडिटी की होगी, डिमांड उसको हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्राइस से। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्यों लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे डिमांड को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं? प्राइस से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, इसलिए इसको मैंने वर्ड यूज किया रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, ये जो प्राइस है इस प्राइस को और किससे रेफरेंस होगा? कॉमा, पीरियड ऑफ टाइम, किस समय हमको वो चीज का डिमांड लगा, तो किस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एक प्लेस है ना, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब कि मैं डिमांड को किस में मेंशन कर रही हूँ? डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड किसकी है? कमोडिटी की। उसका रेफरेंस किससे दे रही हूं मैं? प्राइस से। किस समय और कौन सी जगह पे? तो ये हो गया। सपोज अगर मैं बोलूं कि मुझे 15 kg शुगर चाहिए, उसका प्राइस है इतना, और पर्टिकुलर प्लेस पे चाहिए, दरोग भिलाई कहीं पे भी कोई भी, तो अगर मैं कभी भी डिमांड का स्टेटमेंट बनाऊंगी या आप लोग एक एग्जांपल बनाएंगे तो कमोडिटी बताना, उसका प्राइस, टाइम कौन सी जगह पे और प्लेस, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ डिमांड क्या होता है? ये बेसिक बता रही हूँ, ये सब आप लोग इंट्रोडक्शन में डालेंगे। जो मैंने सिनॉप्सिस बताया है उसके आप इंट्रोडक्शन में डालेंगे, कॉमन कॉमन चीज। फीचर्स ऑफ डिमांड ये भी आप इंट्रोडक्शन में सब मेंशन कर सकते हैं। इफेक्टिव डिजायर होती है किसी भी चीज की, तभी वो क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। सेकेंड चीज क्या हो जाती है उसमें? प्राइस। तीसरा उसका फीचर क्या हो जाता है? टाइम। चौथा डिमांड का फीचर है मार्केट। देखो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, बट अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ डिमांड की बात कर रही हूँ। लॉ ऑफ डिमांड पे मैं बाद में आऊंगी, अभी हम सिर्फ डिमांड के फीचर्स देख रहे हैं। ये जो लिखाया था प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइज, ये लॉ ऑफ डिमांड में आएगा ये वाला, लेकिन ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट से मैं जो भी बता रही हूँ ये सिर्फ डिमांड में आएगा। अब देखो इसमें मार्केट होता है किसी भी डिमांड को मेंशन करने के लिए, और फिफ्थ अगर मैं वहां पे मेंशन करूं तो अमाउंट, अगर फिफ्थ मैं उसमें मेंशन कर रही हूँ तो वो है अमाउंट। तो ये फीचर्स ऑफ डिमांड है। अब नेक्स्ट अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड में आती हूँ तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं, याद रखना। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम, नो मैम। देखो अब मैं लॉ ऑफ डिमांड क्यों, ये यूनिट 2 का टॉपिक कल चल रहे हैं अपन, ठीक है? अब देखो अपन किस में आ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है? तो रिलेशन ऑफ प्राइस टू सेल्स याद रखना, रिलेशन ऑफ प्राइस टू सेल्स, रिलेशन ऑफ प्राइस टू सेल्स किसमें? इकोनॉमिक्स में, वहां से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ डिमांड। मैंने उस दिन एक प्राइस मैकेनिज्म में बताया था, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई, तो
देखो जब उसमें क्वांटिटी डिमांडेड जब मैं बता रही थी और जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि डिमांड कैसे कैसे बढ़ते जा रही है. इट मींस जब उसका प्राइस कम होते जा रहा है, इट मींस सेल हो रही है, वो चीजें सेल हो रही है. तो प्राइस का कनेक्शन किससे है? सेल से. किसमें? इकोनॉमिक्स में. वहीं से होगा लॉ ऑफ डिमांड. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट The law of demand states that higher the price, lower the demand. इस स्टेटमेंट में डाउट है? एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स इसका अपोजिट. हायर की जगह लोअर कर दूंगी और लोअर की जगह हायर. तो अगर वाइस वर्सा का अगर मैं स्टेटमेंट बना दूंगी तो क्या बन जाएगा? लोअर द प्राइस लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है? नो मैम. नो मैम. क्लियर है सबको? अब देखो डेफिनेशंस कुछ दियोंगी, कुछ डेफिनेशंस मार्शल्स के थ्रू और कुछ डेफिनेशंस इसमें दियोंगी फर्ज्यूसन, है ना. तो ये सब आपको अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है. मार्शल की तो करना ही करना और एक फर्ज्यूसन की. किसी की भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है. जो छोटे छोटे मिल जाए डेफिनेशन वो याद कर लेना पूरी मगब और उस पर काम करना. अब देखो जो लॉ ऑफ डिमांड के फीचर्स हैं उस पे आते हैं. पहला फीचर. अब देखो फीचर्स करने से पहले एक ड्रॉ करते हैं कुछ. देखो उस दिन जैसे क्या था ना, सेम वैसे ही करूंगी. विजिबल है ना सबको? यस मैम. यस मैम. कहीं डाउट हो तो पूछ लेना. इसमें टेक्स्ट ले रही थी मैं. तो इधर लिख रही हूं मैं प्राइस, है ना, और इधर लिख रही हूं मैं क्वांटिटी. शॉर्टकट में क्यूटी वाला लिखना. क्वांटिटी डिमांडेड. अब देखो अगर मैं प्राइस रख रही हूं 6 तो मेरा क्वांटिटी डिमांड जा रहा है 10. अगर प्राइस रख रही हूँ 5 तो मेरा क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा है? 15. अगर फिर मैं प्राइस रखती हूँ तो 4, क्वांटिटी मेरा डिमांड हो रहा है 20. फिर अगेन अगर मैं प्राइस रखती हूँ 3 तो मेरा क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा है? 30, है ना. अब देखो ये एज इट इज बनाना है एग्जाम में, याद रखना. नीचे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्वांटिटी डिमांड, है ना. यहाँ पे ये हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड और इधर हो जाएगा इधर वाई एक्सिस में अगर अपन उसको करेंगे
ये हो जाएगा प्राइस. क्लियर है? कोई डाउट है? नो मैम. अब चलो कैसे पुट करोगे, बनाओ जल्दी से. कैसे पुट करोगे इसको बताओ. देखो इसको पुट किया, जैसे ग्राफ बना, रिलेशन कैसा शो रहा है, इनवर्स. इनवर्स मतलब अपोजिट, 6 हुआ तो 10. तो जैसे जैसे ये कम होते जा रहा है प्राइस, इसका डिमांड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. और जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है तो ये कौन सा शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप. प्लस इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप. और स्लोप जो इसका आ रहा है वो देखो कैसे आ रहा है, राइट की तरफ. समझ में आया? ये लेफ्ट है और ये सपोज इधर राइट है, तो ये स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड द राइट. इससे ये पता चलता है. तो आप लोग ऐसा चार्ट बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट्स देंगे, तो पॉइंट्स को लिखेंगे कैसे, एग्जाम में मेंशन करेंगे. डिमांड कर्व कौन सी है? हाँ, एक चीज इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो इसको ध्यान देना. ये जैसे डिमांड कर्व है तो इसका फर्स्ट पॉइंट दे देना डी, है ना, और इसको दे देना डी वन, है ना, इसको दे देना डी वन. तो बताना डी टू डी वन, डी डी वन लिखना, डिमांड कर्व है. फिगर ए पॉइंट एक्सप्लेन्स वेयर डिमांड, वेर द प्राइस इज हाई. फिगर ए पॉइंट पे लिखना, प्राइस इज हाई एट 6, देन डिमांड इज 10. एज वी आर रिड्यूसिंग द प्राइस, द डिमांड इज गोइंग हायर, एंड एट लास्ट वेन द प्राइस फॉल्स एट 3, द डिमांड इज इंक्रीज एट द 30 एट द हाइस्ट. आप ऐसा पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको पॉइंट्स में. पॉइंट ए एक्सप्लेन्स पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. बताना डी टू डी वन इज द डिमांड कर्व. और फिर उसके बाद जब आप ये करेंगे देन एक्सप्लेन करना कि डिमांड कर्व मूव्स टूवर्ड्स द राइट. डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है. ये आप उसके एक्सप्लेन करेंगे. प्लस इसको आप बताएंगे कैसे, एक इक्वेशन से इसको मेंशन करेंगे आप. देखो बता रही हूँ इक्वेशन, क्वांटिटी डिमांडेड कैसा है, इसको क्यूब बताएंगे, इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है इसका, प्राइस. ये डिमांड का इक्वेशन है, ये इसको आप ऐसे मेंशन करेंगे, जिसका मतलब क्या है, क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो किसका फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है. क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. बस इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है. क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस. क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी लॉ ऑफ डिमांड में? नो मैम. क्लियर है सबको? बताओ सब, कोई डाउट है तो पूछो. अपर्णा, एकता, प्रांजलि, प्रशांत, तृप्ति, योगिता, एनी डाउट बेटा? नो मैम. क्लियर है? अब नो मैम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है एग्जाम के लिए. बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है. अब फीचर्स पढ़ेंगे इसके बेस पे, है ना, डायग्राम के बेस पे. फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फर्स्ट अगर मैं बोलूं इनवर्स रिलेशनशिप, तो क्लियर है इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? यस मैम. है ना? फिर डिमांड क्या है? डिपेंडेंट है किस पे? प्राइस पे. तो डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना. फिर क्या है? अदर थिंग्स रिमेन द सेम. जिसने लॉ ऑफ डिमांड बनाया, या हम जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, हम इसमें सिर्फ दो ही चीज की स्टडी कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड, है ना, सिर्फ प्राइस. बाकी चीजें क्या है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, मार्केट में सफिशियंट क्वांटिटी में सप्लाई है चीजें,
लोगों की इनकम हमेशा कम ही रहेगी, लोग लग्जरियस गुड्स नहीं लेंगे, ये सारे फैक्टर्स का है. जब अपन चॉइस, मार्केट की चॉइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, टारगेट मार्केट्स क्या, तो ये सारे अजम्पशंस उसने एनालाइज ही नहीं किए. क्या बोल दिया, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, बस प्राइस को लेकर के ही चला. तो ये था इसके तीन फीचर्स. डाउट फीचर्स में बताओ, कोई डाउट है तो. मैम सेकंड वाला बता दो. डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो ये जो डिमांड है, डिपेंड मैं बोल रही हूँ, किस पे डिपेंड है, प्राइस पे. देखो डिमांड अपनी मर्जी से नहीं बढ़ रही है, यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है ना. डिमांड क्यों बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है इसलिए. अदरवाइज डिमांड का तो खुद का इंडिपेंडेंस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. तो बोल रहे डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, प्राइस पे. अगर प्राइस नहीं कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, ये बता रहे हैं. तो डिमांड जो है वो दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड है. और यहाँ पे हम जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, इसमें डिमांड किस पर डिपेंड है, सिर्फ प्राइस. अगर प्राइस कम नहीं होगा तो सोचो वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, मतलब उसकी डिमांड बढ़ी नहीं रही. आया समझ में, डिपेंडेंट. यस मैम. अब नेक्स्ट देखो कॉजेस. ये जो जो स्लोप है ना, ये जो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, इसके रीजंस क्या है. ये क्वेश्चन पूछता है रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड. रीजंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के कारण क्या है. मेन अपन स्टडी कर रहे हैं ये बोल के कि प्राइस पे डिपेंड है, कुछ तो रीजंस होगा जो अपन इसको पढ़ रहे हैं. या फिर ये पूछेगा इसमें कभी आप लोगों से, सपोज रीजन क्या है फॉर लॉ ऑफ डिमांड के, या फिर इसके बदले में नया क्वेश्चन डाल देगा, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना. व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. तो दोनों में से कुछ भी पूछेगा इसका मतलब वो कॉसेज ही पूछ रहा है लॉ ऑफ डिमांड. ये तो कंफ्यूज मत हो ना कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो ऐसा क्यों पूछा, मैडम ने नहीं करवाया या हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं लाना माइंड में. समझना कि वो रीजंस पूछ रहा है या कॉसेज पूछ रहा है. और देखो ये जो स्लोप है ये वाली, ये देखो ये स्लोप है ना, ये देखो डाउनवर्ड है ना, ये नीचे की तरफ आ रही है ऊपर से इधर, तो इसलिए बोले डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. इसमें मेन फैक्टर है पहला पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी. देखो इसको ज्यादा डीप में मत जाना, हम जब इसका चैप्टर करेंगे तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो भी अपन गुड्स परचेज करते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, हाउसहोल्ड्स, जो भी अपन गुड्स परचेज करते हैं तो हमको उसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है. तो वो जो हम प्राइस पे कर रहे हैं वो क्या होता है, सेक्रीफाइस बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में. तो कभी कंज्यूमर जिसको गुड्स परचेज करना है या उसको जब वो गुड्स यूज करना है तो वो हमेशा उसको उतना ही पे करना चाहेगा जितने की उसकी रिक्वायरमेंट है. जितना उसको सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड है उतने का ही वो पे करना चाहेगा. उससे ज्यादा का क्या वो पे करना चाहेगा क्या, नहीं. इसलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे जैसा उसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट होते जाएगा वो उस पे एक्सपेंस करना कम करते जाएगा. तो इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. सपोज इसको एक एग्जांपल था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, कि अगर हमको भूख लगी, अगर हम ब्रेड खा रहे हैं एक, है ना, एक ब्रेड का बाइट लिया, भूख और बढ़ रही है और खा रहे हैं, बढ़ रही है खा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है. तो अपन उसका यूज क्या करते हैं, कम करते जाते हैं. तो हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या जो हम मनी पे कर रहे हैं वो भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का भी इफेक्ट है. सेकेंड है न्यू कंज्यूमर्स.
मार्केट में न्यू कंज्यूमर्स को अगर हमको अट्रैक्ट करना है तो प्राइस क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, इसलिए भी स्लोप डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है. और एक कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस होते हैं, सपोज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम यूज हो. तो डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि कैसा करना है उसको. अगर उसको बहुत जरूरी है तभी वो परचेज करेगा, नहीं तो उसको पता है कि आगे चल के प्राइस तो कम ही होना है तब बोलेगा. सपोज अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो प्राइस होता है हाई होता है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे दूसरी कंपनीज या मार्केट में जब टेक्नोलॉजी आने लग जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, सडनली कम हो जाता है. तो डिफरेंट यूजेस है, अगर उनको एग्जैक्ट नीड है अभी तभी वो खरीदेंगे, नहीं तो क्या होगा, जैसे ही उसका प्राइस, जैसे मोबाइल फोन्स में हम करते हैं ना, डिस्काउंट पे आएगा तो अपन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्राइस कम होता है. तो जैसे ही इस पे देखो, चार्ट पे देखो, तो जैसे जैसे इसका प्राइस कम हो रहा था यहाँ पे, तो डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो भी ये क्या हो गया, कर्व नीचे की तरफ आया. तो सेम वही डिफरेंट यूजेस हैं एक कमोडिटी के. हमको जब नीड होगी, हमको पता है, सपोज हम वेट करते हैं दिवाली का कि प्रोडक्ट्स कम पे मिलेंगे, डिस्काउंट रहेगा चीजों पे, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, इसलिए हम प्राइस के कम होने का वेट करते हैं और वो डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है. नेक्स्ट देखो, इसमें एक और है इनकम इफेक्ट. इनकम, अगर लोगों की इनकम, हम यही मान के चलते हैं कि इनकम कम है, जो रियल इनकम है कंज्यूमर की वो चेंजेस होते जाती हैं, तो हम ये कभी नहीं एज्यूम करेंगे. इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर प्राइस ज्यादा है तो वो परचेज ही नहीं कर पाएगा, परचेजिंग कैपेसिटी ही नहीं है उसकी. लेकिन आप ये सोचो, अगर प्राइस कम हो रही है तो ये समझो कि देखो उसकी इनकम बढ़ रही है. पहले क्या होता था, वो 10 रुपए में अगर दो चीज ले रहा था तो उसके पास इनकम कम थी, लेकिन अब अगर वो 10 रुपए में चार चीजें खरीद है तो सडनली उसका इनकम क्या हो गया, बढ़ गया ना. थोड़ा सा मेंटली सोचो. तो ये उसके रीजंस हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड की तरफ क्यों होता है. आया समझ में? यस मैम.